दोस्तों, साल 2009 में आई हॉलीवुड फिल्म अवतार उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इस फिल्म ने अपने शानदार CGI विजुअल इफेक्ट और रियल इमोशन को दर्शाने वाले एनिमेशन की बदौलत न सिर्फ इस दौर में उस समय सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बनाया, बल्कि दुनिया के सभी दर्शकों को इस फिल्म ने ऐसा विजुअल इफेक्ट दिया जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, उस समय जिसने भी इस फिल्म को देखा होगा वो ही हमें बता सकता है कि फिल्म कितनी शानदार थी और जो इसके 3D इफेक्ट कितने असली थे। दोस्तों, इस फिल्म को आए 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस फिल्म का पार्ट 2 अब तक नहीं आया है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिर इस फिल्म का सेकंड पार्ट यानी अवतार 2 अब तक क्यों नहीं आया है। जानने के लिए बने रहिए अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में। और आपको भी अवतार फिल्म पसंद आई थी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन उन डायरेक्टरों में से एक है जिनके लिए फिल्मों से पैसा कमाना ही सब कुछ है ये मायने नहीं रखता है, बल्कि ये अपने इनोवेटिव फिल्म शूटिंग टेक्नोलॉजी के जरिए दर्शकों के साथ साथ बाकी अन्य निर्माताओं को वो चीज़ देना चाहते हैं जो फिल्म मेकिंग में नए आयाम ला सके। दोस्तों, अगर आपको पता ना हो तो हम आपको बता दें, टाइटैनिक और टर्मिनेटर से सुपर फिल्म के डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि जेम्स कैमरॉन ही हैं। अवतार फिल्म के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जेम्स कैमरॉन ने पहली बार रियल इमोशन सेंसिंग कैमरे का उपयोग किया था ताकि अभिनेता के चेहरे का वास्तविक हाव भाव मिल सके, और CGI इफेक्ट और अप्लाई करने के बाद इन्वेंशन कम और रियलिटी ज़्यादा लगे। इसके अलावा रियल टाइम परफॉर्मेंस कैमरे का इस्तेमाल भी पहली बार किया गया था, जिससे डायरेक्टर फिल्म के शूटिंग के सेट पर ही देख सकता था कि CGI इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद फाइनल सीन कैसा दिखेगा। दोस्तों, विकिपीडिया के अनुसार फिल्म में इस्तेमाल सारी भरपूर CGI इफेक्ट को प्रोसेस करने के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें, अवतार मूवी ना तो कोई नॉवल पर आधारित थी और ना ही इसके सीक्वल को बनाने का कोई इरादा था, इसीलिए इसके अगले सीक्वल अवतार 2 के लिए अलग से स्टोरी पर काम करना था। जेम्स नहीं चाहते थे कि इस काम में किसी भी तरह की जल्दबाजी हो और लोग उनकी फिल्म देखें और कुछ सालों बाद भूल जाएं। वो चाहते थे कि इसके सीक्वल के लिए ऐसी दमदार स्टोरी स्क्रिप्ट तैयार करें जिसे लोग हमेशा याद रखें, जैसा फिल्म टाइटैनिक और अवतार के साथ हुआ। और इसी वजह से जेम्स को 4 साल से भी ज्यादा समय लगा इसकी स्टोरी और स्क्रिप्ट तैयार करने में, और उम्मीद किया जा रहा था कि साल 2018 में अवतार 2 को रिलीज किया जा सकेगा। लेकिन इस फिल्म की स्क्रिप्ट और सीन को फिल्माने के लिए 2016 तक वो कैमरे और टेक्नोलॉजी बनकर तैयार नहीं हो सके जिसका जेम्स कैमरॉन को इंतजार था। इसके अलावा अवतार 2 के अधिकतर सीन को पानी के अंदर फिल्माए जाने हैं बजाय CGI इफेक्ट को बाद में अप्लाई करने के, जैसा कि अक्यूमैन में किया गया था। बाद में डिज्नी के द्वारा फॉक्स स्टूडियो एक्सिबिशन ने रिलीज डेट को 2021 तक बढ़ा दिया कि मर्जर से पहले कई अन्य फिल्में जैसे स्टार वॉर की शूटिंग बाकी थी। आपको बता दें, जेम्स कैमरॉन ने हाल ही में प्रेस मीटिंग में फिल्म रिलीज पर हो रही देरी पर कहा है कि यह कोई डिले नहीं है बल्कि फिल्म को बनाने में लगने वाला नॉर्मल समय है। अच्छे फिल्म को बनाने में टाइम लगता ही है। यह फिल्म जब 3D में रिलीज होगी तो यकीन मानिए उस लेवल की होगी जो पूरी दुनिया को हैरान कर देगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी अवतार 2 का इंतजार है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।